आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने महायुतीला संपूर्ण बहुमत दिलं आणि महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाला संपूर्ण जनादेश देत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून 105 जागा दिल्या. आम्ही शिवसेनेच्या सोबत ही निवडणूक लढलो पण हा जनादेश भारतीय जनता पक्षाला होता असं मी याकरता म्हणतो की भारतीय जनता पक्षाने लढलेल्या जागांपैकी 67-70% जागा आम्ही जिंकलो. शिवसेनेने लढलेल्या जागांपैकी केवळ 40-42% ते जागा जिंकले. याचा अर्थ असा होता की महायुतीला जनादेश तर होता पण तो भारतीय जनता पक्षाला अधिक मोठा जनादेश होता आणि या जनादेशाचा सन्मान करण्याकरता महाराष्ट्रामध्ये जनतेच्या मनातलं सरकार तयार करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. शिवसेनेच्या लक्षात ज्यावेळी हे आलं की नंबर गेम असा आहे की या नंबर गेम मध्ये आपली बार्गेनिंग पॉवर वाढू शकते आणि पहिल्या पत्रकार परिषदेपासून पहिल्या पत्रकार परिषदेपासून त्यांनी बार्गेनिंग सुरू केलं. आमचे सगळे पर्याय खुले आहेत आणि जी गोष्ट कधीही ठरली नव्हती, कधीही शिवसेनेला मुख्यमंत्री पद भाजप देईल असं ठरलेलं नव्हतं, जे आमचे नेते अमित भाई शाह यांनी स्पष्टपणे घोषित केलं. नव्हे तर निवडणुकीच्या काळात, निवडणुकीच्या नंतर, निवडणुकीच्या आधी प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये अतिशय त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. असं न ठरलेल्या बाबींचा बाहू करून आता हे ठरलंय आणि आम्हाला हे हवंय अशा प्रकारे, आणि तुम्ही देणार नसाल तर आम्ही कोणाही सोबत जाऊ शकतो अशा प्रकारची जी काही धमकी भारतीय जनता पक्षाला दिली त्याच्यावर भारतीय जनता पक्षाने तात्विक भूमिका मांडली. जे ठरलंय ते देऊ, जे ठरलं नाही ते देणार नाही. अनेक दिवस आम्ही त्यांची वाट बघितली पण आमच्याशी चर्चा करण्याच्या ऐवजी ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी चर्चा करत होते. आश्चर्य आहे की जे लोक मातोश्रीवरनं बाहेर पडत नाही ते अनेकांच्या पायऱ्या झिजवत होते, अनेकांसोबत बसत होते पण आमच्याशी मात्र ते बोलत नव्हते. आणि अशातच असेंब्लीची मुदत संपल्यामुळे त्या ठिकाणी आम्हाला पहिल्यांदा गव्हर्नरनी बोलवलं आणि आपण सत्ता स्थापन करा असं सांगितलं. शिवसेना आमच्या सोबत नसल्यामुळे आमच्याकडे नंबर्स नाहीत हे सांगून आम्ही सत्ता स्थापनेला नकार दिला. त्यानंतर शिवसेनेला बोलवलं, शिवसेनेने नंबर्स आहेत असं भासवून त्या ठिकाणी जाऊन आपलं काय हसं करून घेतलं ते संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलं. मग राष्ट्रवादी काँग्रेसला बोलवलं, त्यांच्याही जवळ नंबर्स नाहीत असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं आणि त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागली. राष्ट्रपती राजवट लागल्यानंतर देखील 10-12 दिवस सातत्याने त्या ठिकाणी चर्चा सुरू होत्या की 3 जण मिळून आम्ही सरकार तयार करणार, 3 जण मिळून आम्ही सरकार तयार करणार, पण ते सरकार काही तयार होऊ शकत नव्हतं. याचं कारण पूर्णपणे 3 भिन्न पक्ष ज्यांच्या आयडियोलॉजीचा कुठलाही एकमेकाशी संबंध नाही असे पक्ष एकत्रित येऊन सत्ता स्थापनेचा मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार करत होते. हा सत्ता स्थापनेचा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम म्हणजे भारतीय जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवा एवढाच कॉमन मॅक्झिमम प्रोग्राम होता
याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही प्रोग्राम हे तयार करू शकले नाहीत, कुठलाही निर्णय हे घेऊ शकले नाहीत। दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये किती काळ राष्ट्रपती शासन राहील अशी परिस्थिती असताना श्री अजित पवार जे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते होते यांनी आम्हाला सत्ता स्थापनेकरता त्या ठिकाणी सहकार्य करायचं ठरवलं, त्यांच्याशी आम्ही चर्चा केली आणि त्या चर्चेच्या अनुरूप त्यांनी आम्हाला ते पत्र दिलं ज्या आधारावर आम्ही सरकार स्थापन केलं। आणि आज ज्यावेळी कोर्टाचा निर्णय आला आणि उद्या बहुमत या ठिकाणी साबित करायचं आहे त्यावेळी श्री अजितदादा पवार यांनी मला भेटून सांगितलं की काही कारणाने मी या अलायन्समध्ये कंटिन्यू होऊ शकत नाही, मी या ठिकाणी राजीनामा देतोय आणि त्यांनी त्यांचा राजीनामा मला सुपूर्द केला। आणि त्यांचा राजीनामा आल्यामुळे आता या ठिकाणी आमच्याजवळ देखील बहुमत उरलेलं नाही। भारतीय जनता पक्षाने पहिल्या दिवशीपासून भूमिका घेतली होती, आम्ही कोणाचे आमदार तोडणार नाही, आम्ही कुठलंही घोडेबाजार करणार नाही। संपूर्ण राष्ट्रीयवादी काँग्रेस पक्षाचा गट हा आमच्यासोबत आल्याने स्थापना केली आणि ज्यावेळेस त्यांनी राजीनामा दिला त्यावेळी आम्ही देखील हा निर्णय घेतला की कुठलाही घोडेबाजार न करता आम्ही देखील या ठिकाणी राजीनामा देऊ। आणि म्हणून ही पत्रकार परिषद संपवल्यानंतर मी राज्यपालांकडे जाणार आहे आणि माझा राजीनामा त्या ठिकाणी सोपणार आहे। खरं म्हणजे आता जे सत्ता स्थापन करणार आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत आणि मला विश्वास आहे की ते चांगलं सरकार चालवण्याचा प्रयत्न करतील। पण मला भीती आहे की हे सरकार आपल्याच ओझ्याखाली दबेल, याचं कारण इतकी मतभिन्नता आहे। म्हणजे काल ज्यावेळेस मी बघितलं की शिवसेनेचे नेते पद घेत होते त्यावेळी मला आश्चर्य वाटलं की सत्तेकरता किती मोठी लाचारी ही शिवसेनेच्या नेत्यांना स्वीकारावी लागते, पण त्यांना ती लाचारी लखलाभ आहे। हा जो काही या ठिकाणी भाजप हटावचा अजेंडा घेऊन हे सगळे लोक केवळ सत्तेकरता एकत्रित आले आहेत, भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत प्रभावी विरोधी पक्षाचं काम करेल, जनतेच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवून सोडवण्याचा प्रयत्न करेल, जनतेचा आवाज बनून जनतेला न्याय देण्याचं काम आम्ही करू। पण मला निश्चित ही शासंकता आहे की इतका विरोधाभास असलेलं सरकार चांगलं सरकार वेगानं धावतं, पण आता हे तीन चाका आहेत, तीन चाकाचा ऑटो रिक्षा देखील धावतो, ऑटो रिक्षाचे तीन चाक तीन बाजूला जर धावायला लागले तर त्याची काय अवस्था होते, तीच अवस्था या सरकारची होईल ही शंका माझ्या मनामध्ये आहे। मी आज या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनपूर्वक आभार मानतो। 5 वर्ष या महाराष्ट्राच्या जनतेचं मोठं प्रेम आणि आशीर्वाद आम्हाला प्राप्त झाला आणि महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 5 वर्षांमध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये चांगलं काम आम्ही त्या ठिकाणी करून दाखवलं आणि त्याची पावती म्हणूनच लोकांनी आम्हाला पुन्हा निवडून दिलं। शेतीच्या समस्या असतील, कर्जमाफीचा विषय असेल, वेगवेगळ्या वेळी शेतकऱ्यांना मदत करायचा विषय असेल, अर्बन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, मुंबईसारख्या महानगराचा कायापालट असेल,
गावांपर्यंत कनेक्टिव्हिटी असेल, ही प्रत्येक गोष्ट ज्या प्रकारे गेल्या 5 वर्षांमध्ये आमच्या सरकारच्या काळात आम्ही करू शकलो मला त्याचं मनापासून समाधान आहे। हे निश्चित आहे अनेक गोष्टी राहिल्या, पण इरिगेशन असेल, रोड असतील, इतकं मोठं काम गेल्या 5 वर्षांमध्ये या ठिकाणी आम्ही केलं आणि अतिशय पारदर्शी प्रामाणिकतेनं आम्ही गेली 5 वर्ष सरकार चालवलं, त्यामुळे मला आज ज्यावेळी राजीनामा झाला जातोय त्यावेळी या गोष्टीचं समाधान आहे की जनतेने जो विश्वास टाकला होता त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचं काम हे निश्चित आम्ही केलं। काही गोष्टी निश्चित राहिल्या असतील, काही गोष्टी कमी झाल्या असतील, काही गोष्टी चुकल्याही असतील, पण आमची मानसिकता, आमचं इंटेंशन हे कधी चूक नव्हतं आणि त्यामुळे 5 वर्ष अहोरात्र कुठलीही सुट्टी न घेता जनतेकरता काम करण्याची संधी ही मला प्राप्त झाली। महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून मी आभार मानतो। माझे नेते देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदीजी यांचे मी आभार मानतो, त्यांचा अतिशय भक्कम पाठिंबा आमच्या पाठीशी होता। आमचे अध्यक्ष श्री अमितभाई शहा, आमचे कार्याध्यक्ष जगतप्रकाशजी नड्डा यांचे आभार मानतो आणि विशेषतः माझी जी टीम आहे, माझे मंत्रिमंडळातले सहकारी असतील, पक्षातले सहकारी असतील, या सगळ्यांनी एक टीम म्हणून या ठिकाणी काम केलं आणि म्हणूनच ही प्रगती आम्ही या ठिकाणी साधू शकलो आणि म्हणून त्यांचे आभार मानतो। आपल्या सगळ्यांचे देखील मी आभार मानतो। आपलं सहकार्य यापुढे अधिक लागणार आहे, ते मिळेलच असा विश्वास मी व्यक्त करतो। सर्व अधिकाऱ्यांचे आभार मानतो आणि कशाही प्रकारे का असेना 5 वर्ष जे आमच्या सोबत राहिले, सरकारमध्ये राहिले, त्यांचे मी आभार मानतो, कारण ते 5 वर्ष आमच्या सोबत होते, त्यांचे मी आभार मानतो। महाराष्ट्र की जनता ने हमारी महायुति को संपूर्ण बहुमत दिया और पिछले 5 वर्षों में जो काम किया उसको एक जनादेश, एक मैंडेट जनता के वोटों से मिला और संपूर्ण बहुमत के साथ जनता ने हमको चुनकर दिया, इसलिए मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। ये जो जनादेश मिला, ये जैसे महायुति को जनादेश था उसमें भी ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें लड़ी उसमें से तकरीबन 67 से 70% सीटें हम लोगों ने जीती और शिवसेना जितनी सीटें लड़ी उसमें मात्र 44% सीटें वो जीत पाई। तो ये जनता पार्टी के हक में जनता ने दिया था। दुर्दैव से नंबर गेम इस प्रकार का है कि जिसमें हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है ये देखते हुए शिवसेना ने पहले दिन से ही बार्गेनिंग शुरू की और घोषणा की, हम भले ही महायुति में चुनकर आए हो किंतु हम सभी पार्टियों से बात करेंगे और हमको जहां मुख्यमंत्री मिलेगा वहां पर हम उनके साथ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमको 2.5 साल मुख्यमंत्री देने का वादा ये किया गया है, जो बिल्कुल गलत बयान था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, हमारे अध्यक्ष अमित भाई शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया, कभी भी शिवसेना को 2.5 साल के मुख्यमंत्री का वादा नहीं किया गया था। जो वादा नहीं किया था उसको छोड़कर जो वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए हम कभी भी तैयार थे।
लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री का जो वादा नहीं किया था उस पर अड़कर हमसे बातचीत करने की जगह शिवसेना ने तुरंत कांग्रेस और एनसीपी से बातचीत शुरू की, तो उनकी मंशा यह स्पष्ट थी कि वे उनके साथ सरकार बनाना पहले दिन से चाहते थे। और उसके बाद जो राज्य में हुआ हम सबने देखा, असेंबली की मियाद जब समाप्त हुई उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी को बुलाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पास 105 और हमारे जो अपक्ष इनका समर्थन हासिल है, इससे ज्यादा लोग हमारे पास अभी नहीं है, इसलिए हम सत्ता नहीं बनाना चाहते, ये सैद्धांतिक भूमिका हमने रखी। मैंने इस्तीफा भी दिया। उसके बाद शिवसेना को बुलाया गया। शिवसेना दावा लेकर इस प्रकार से गई मानो 145 लोग उनके पास है, और उस समय सारे मीडिया ने भी दिखाया कि सरकार बन गई बन गई बन गई, पर वो दावा कितना खोखला था और किस प्रकार से एक मजाक उस दावे का बना हम सबने देखा। न कोई चिट्ठी आई, न कोई सरकार बनी। उसके बाद एनसीपी को बुलाया गया, उन्होंने भी नंबर नहीं इसलिए नकारा, और राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उसके बाद तीन पार्टियां एक साथ चर्चा करते करते 10 दिन से ज्यादा समय निकल गया, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना तय नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि इनका कॉमन मैक्सिमम प्रोग्राम एक ही था, भारतीय जनता पार्टी को हटाना और सत्ता पाना, और इसलिए ये सारे लोग एकत्रित आकर जिनकी वैचारिक भूमिका भी एक दूसरे से नहीं मेल खाती, विशेष रूप से शिवसेना और कांग्रेस, शिवसेना अपने आप को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है, ये बात अलग है कि उनका हिंदुत्व अभी सोनिया जी के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि कल हमने देखा कि शिवसेना के नेता सोनिया जी की कसम खा रहे थे, लेकिन वो उनको उनका लागू है। और इसलिए ये जब बना नहीं पाए और राष्ट्रपति शासन लागू था, ऐसे समय श्री अजीत दादा पवार इन्होंने हमको समर्थन देने की चर्चा की, और उन्होंने कहा कि हम समर्थन देकर सरकार बनाना चाहते हैं महाराष्ट्र में सरकार, किंतु कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से फ्लोर टेस्ट करनी है, ऐसे समय आज श्री अजीत दादा पवार इन्होंने मुझसे मिलकर कहा कि वे इस सरकार में बने नहीं रह सकते, और उन्होंने हमको इस्तीफा दिया। तो उनके इस्तीफा देने से अब बहुमत के लिए जितने विधायक चाहिए उतने भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम इस्तीफा देंगे। और उस दृष्टि से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं स्वयं माननीय राज्यपाल जी के पास जाने वाला हूं और इस्तीफा देने वाला हूं। ये पहले से तय किया था कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और इसलिए हमने कभी भी किसी विधायक को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हमारे ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप जो लगाते हैं, उन्होंने तो सत्ता के लिए पूरा का पूरा अस्तबल खरीद लिया, और सत्ता के पीछे सारी चीजें उन्होंने गौण कर दी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ये तीन पार्टियां एकत्रित आकर सरकार बनाने का जो विचार कर रही है, मुझे ऐसा लगता है ये सरकार अपने बोझ तले दबेगी, क्योंकि ये तीन पहियों की ऐसी गाड़ी है जिसका कोई भी पहिया एक दिशा में नहीं चल सकता। तीनों पहिये तीन दिशाओं में चलेंगे, और महाराष्ट्र जैसा अगड़ा राज्य, इसकी क्या परिस्थिति होगी
इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तय किया है हम विपक्ष में बैठेंगे, एक जागरूक विपक्ष का काम हम करेंगे, जनता का आवाज हम बनेंगे, किसानों की, गरीबों की, सर्वसामान्य लोगों की समस्याएं सरकार तक ले जाएंगे, उसके लिए लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो काम हमने महाराष्ट्र में शुरू किया है वो आगे चले, इसके लिए सहकार्य भी हम करेंगे। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पिछले 5 वर्ष महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार का प्यार हमको दिया, मैं उस प्यार से अभिभूत हूं, मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं ये मानता हूं कि हमने जो 5 वर्षों में काम किया, चाहे वो गांवों में हो, चाहे शहरों में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे इरिगेशन का हो, चाहे खेती किसानी का हो, चाहे कनेक्टिविटी का हो, चाहे गरीबी हटाओ का हमारा जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लागू करना हो, हर काम पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बहुत ही प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी से और पूरी क्षमता के साथ किया। और इसी के चलते महाराष्ट्र की जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी यहां पर उभरे। और मैं महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ मैं हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो पिछले 5 वर्ष इस सरकार के पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। और महाराष्ट्र को अगर आप तुलना करके देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार की मदद पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र को प्राप्त हुई, और इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह जी, उनका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, वो हमेशा किसी भी समस्या की घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। हमारे कार्याध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे अफसरों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हमारे साथी जो 5 वर्ष हमारे साथ थे उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मंत्रिमंडल में जो मेरे सारे सहयोगी रहे, हमारे जो विधायक रहे, हमारे जो पार्टी के नेता रहे, जो कार्यकर्ता रहे, क्योंकि जो भी हम कर पाए ये उनके कारण कर पाए, ये टीम का श्रेय था, एक टीम करके हम काम कर रहे थे, और इसलिए मैं उनका भी सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, 5 साल आपका भी बहुत सहयोग हमको मिला। और मैं महाराष्ट्र की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके प्रश्नों को लेकर, उनके सपनों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी। और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया है वो आगे भी निरंतर बढ़ता रहेगा। कुठली अट नव्हती, તમારી પાસે બહુમતી નથી, ફડણવીસનું કહેવું છે, જેમણે શપથ લીધા હતા સીએમ તરીકે ના, અને તેઓ જ હવે કહી રહ્યા છે કે તેમની પાસે બહુમત નથી, કારણ કે ગઈકાલે રાત્રે જ આપણે જોયું હશે કે હોટેલમાં એનસીપી, કોંગ્રેસ અને શિવસેનાએ જે શક્તિ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને તમામ જે ધારાસભ્યો છે તેમની પરેડ કરાવી હતી, ત્યારબાદ જ આખું ચિત્ર બદલાઈ ગયું। અને આજે સુપ્રીમમાંથી પણ નિર્ણય આવી ગયો કે આવતીકાલે ફ્લોર ટેસ્ટ થશે, પરંતુ સવાલ એ છે કે ફ્લોર ટેસ્ટ ક્યારે થઈ શકે, જ્યારે આ સંખ્યાબળની પણ જરૂર હતી બીજેપીને, પરંતુ તે સંખ્યાબળ બીજેપી પાસે નથી, માટે
હવે જે સમીકરણો તે જે દેખાઈ રહ્યા છે તે સમીકરણો એ છે કે એનસીપી, કોંગ્રેસ અને શિવસેનાનું આ ગઠબંધન આગળ વધશે. તબ ભી વો જબ સત્તા નહીં બના રહે થે તો મહારાષ્ટ્ર કો એક સરકાર કી આવશ્યકતા થી ઓર ઇસલિયે હમને સરકાર બનાઈ. દેખીએ અભી ઇસકા જવાબ અજીત પવાર દે સકતે. દેખીએ મેં બહુ સ્પષ્ટ શબ્દો મેં કહેતા હું, હમને દરવાજે બંધ નહીં કિયે થે, દરવાજે ઉન્હોને બંધ કિયે થે. ઓર અબ 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 વો કોંગ્રેસ ઓર રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ સે સાથ હૈ, હમારી સાથ નહીં. ફડણવીસ જી, સવાલ અજીત પવાર કા ઇસલિયે ભી ઉઠતા હૈ, માફ કરીએ મેરી આવાજ થોડી બેઠ ગઈ હૈ, આપ અગર સુન સકતે હૈ તો, ઇસલિયે ભી સવાલ ઉઠતા હૈ ક્યોંકિ આપને ખુદ આપકે ભાષણ મેં કહા થા અજીત પવાર ચક્કી પીસિંગ કી જગહ પે આપકે સાથ વો અચાનક કુછ દિન સુબહ દિખાઈ દિયે, ઓર ઇસી કો એક મિનિટ, ઇસીલિયે સબકો ઝટકા લગા, ઇસીલિયે સવાલ યે બાર બાર ઉઠ રહા હૈ ક્યોંકિ આપ ખુદ એસે થે, આપ ઓર વિનોદ તાવડે આપ દોનોં ને અલગ અલગ સભાગૃહ મેં ઇરિગેશન ઘોટાલે કો ઇતને બડે પૈમાને પર ઉઠાયા થા, આપને ઉસ મુદ્દે કો લેકર ઓપન ઇન્ક્વાયરી ઓર્ડર કી થી, આપકી સરકાર ને 3000 સે જ્યાદા ટેન્ડર્સ કી ઇન્ક્વાયરી કી થી, ઓર ઉસી આદમી કે સાથ આપ જબ તક સરકાર બના રહે હૈ, इसीलिए बार बार आपको ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा कैसे किया, किसी को जोड़ के इसीलिए आप जुड़ी हो, मैं बता देता हूं आपकी और क्या है, ऐसा है मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताता हूं, 5 सालों में सारी इंक्वायरी भी हमने की और बची हुई सारी इंक्वायरी कोर्ट मॉनिटर चल रही है और इसलिए कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है. अब राष्ट्रवादी कांग्रेस में सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनकर आए, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको गुटनेता बनाया, अब जब सत्ता बनेगी तो गुटनेता के साथ ही बनेगी, अगर वो गुटनेता नहीं होते दूसरे कोई होते तो देखिए अभी गलती हुई या नहीं हुई है तो बाद में सोचेंगे, अभी तो हम उनके साथ सत्ता नहीं बना सकते. त्यांनी मला हे सांगितलं की माझ्या वैयक्तिक कारणांनी मी राजीनामा देतो. अजित पवारांनी कोणाच्या दबावाखाली राजीनामा दिला का आणि कोणाचा दबाव होता मला नाही माहिती, तुम्ही त्यांना विचारा. लगातार जब आप उससे सपोर्ट किए उसके बाद से पोलिसन ये कह रहा है कि आपने लोकतंत्र की हत्या कर दी, और जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कह रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं उसके पहले रात में आप लोगों ने सरकार बनाई. अरे भाई 11 दिन थे ना, रोज तो चर्चा करते थे, रोका किसने था, नेता भी नहीं तय कर पाए, प्रोग्राम भी नहीं तय कर पाए, कुछ भी तय नहीं कर पाए, रोका किसने था उनको, किसी ने रोका था. शिवसेना ने नैतिकता तोड़ी है, जो आप भाजपची नैतिकता अबाधित आहे असा ही दावा आपण करता का? 100% भाजपची नैतिकता अबाधित आहे. सर बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप दैट डिसाइडेड टू गो विथ अजित पवार, और वाज इट द